सो फाइनली दोस्तों बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। भाई साहब ट्रेलर होगा इस दिन रिलीज एंड टीजर, भाई टीजर को मिल चुका है यूएस सर्टिफिकेट। एंड दोस्तों 1 मिनट 42 सेकंड का टीजर, 2 दिन बाद 1000 करोड़ का टीजर। आप सोचोगे मैं 1000 करोड़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाइयों इस बार टाइगर श्रॉफ एंड अक्षय कुमार की दोनों की जोड़ी है ना भाई, कमाल मचा रही है, धमाल मचा रही है। और 1000 करोड़ लोडिंग इज माई डियर फ्रेंड, बड़े मियाँ छोटे मियाँ अक्षय कुमार को फिर से दोस्तों यहां से यहां ले आएगी। हालांकि कई फिल्में फ्लॉप हुई है उनकी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि ये फिल्म दोस्तों कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट वीएफएक्स एंड दोस्तों ये फिल्म फुल ऑन फायर है। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत सारी अपडेट लेके आए इस फिल्म को लेकर। एंड दोस्तों थैंक यू यार इतना सपोर्ट करने के लिए, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देते हो आप। एंड यार इसी तरह अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए, और चैनल पे है नए तो प्लीज कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं दोस्तों सबसे पहले रिपोर्ट बता दूं कि बड़े मियां छोटे मियां जो फिल्म है वो ईद 2024 अप्रैल को रिलीज हो रही है। हालांकि दोस्तों ईद जो है 9 या 10 तारीख को पड़ेगी अप्रैल में, लेकिन इस फिल्म का बज एंड इस फिल्म का हाइप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दूं कि अभी बुक माई शो पे 15,500 का इंटरेस्ट हो चुका है। हालांकि 2 दिन बाद टीजर आ रहा है, 1 मिनट 42 सेकंड के टीजर को यूएस सर्टिफिकेट मिल चुका है सीबीएफसी के द्वारा। एंड आपको बता दूं कि ये टीजर फुल ऑन एक्शन, फुल ऑन फायर, आई मीन दोस्तों पूरी फिल्म जो होगी लगभग 2.5-3 घंटे की, 250 करोड़ के ह्यूज बजट की फिल्म है ये। और आपको पता है दोस्तों कि टीजर और ट्रेलर से ही लोग जो है एक्साइटेड होते हैं फिल्मों को देखने के लिए। अगर इसका टीजर 1 मिनट 42 सेकंड का धांसू आ गया तो बिलीव करो दोस्तों इसका ट्रेलर ना फाड़ के रख देगा, एंड टीजर से बड़ी सॉलिड हाइप बनेगी। एंड BMCM यानी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, ईद पे फिल्म फाड़ देगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इन दोनों की जोड़ी ना भाई धमाल मचा देगी। हालांकि अक्षय कुमार ने बहुत लोगों के साथ काम किया हुआ है, अभी सेल्फी मूवी आई थी, सेल्फी में इमरान हाशमी के साथ भी काम किया, बट यार सेल्फी मूवी फिल्म डिजास्टर साबित हुई बॉक्स ऑफिस पे। और आपको बता दूं कि इमरान हाशमी के साथ हालांकि केमिस्ट्री उनकी बहुत अच्छी रही, लेकिन ये फिल्म दोस्तों उतना चल नहीं पाई जितना इस फिल्म को चलना चाहिए था। क्या इस बार टाइगर श्रॉफ, यानी कि देखो अक्षय कुमार खिलाड़ी है, एक्शन आपको पता कि कमाल का करते हैं, वही दोस्तों टाइगर श्रॉफ भी एक्शन के मामले में, स्टंट के मामले में नेचुरल स्टंट करते हैं एंड प्योरली होता है और खुद सारे स्टंट करते हैं। तो ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ क्या दोनों की जोड़ी पावर पैक जोड़ी होगी, क्या दोनों की जोड़ी इस बार 500 करोड़ 1000 करोड़ पार कर पाएगी इस फिल्म का कलेक्शंस को, और क्योंकि 250 करोड़ के लागत की फिल्म है तो क्या 250 करोड़ को रिकवर कर पाएगी, सबसे बड़ी बात। इसके साथ दोस्तों आपको बता दूं कि 24 को टीजर के बाद ये जो फिल्म है आपकी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इसका जो ट्रेलर है वो कम से कम मार्च एंड में ही आने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि अभी इस फिल्म की एक शूटिंग चल रही है सॉन्ग की, जो कि बॉस्को जॉर्डन में चल रही है, और इंडिया से 100 आर्टिस्टों को छाटा गया है, कास्ट किया गया है, ताकि शूटिंग के दौरान कम से कम इतना क्राउड तो चाहिए था। आपको बता दूं कि आज फाइनली रामलला जी विराजमान हो चुके हैं अपने घर में, प्रस्थान कर चुके हैं। और आपको बता दूं कि क्योंकि अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ जो है बेसिकली अटेंड नहीं कर पाए, तो उन्होंने डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग लोकेशन से भगवान श्री राम का नमन किया। सभी फैंस लोगों को ये कहा टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार ने बधाई देते हुए कि भैया राम जी हमारे घर आपके सभी परिवार को खुश रखे। और दोस्तों आज फिर से एक बार दिवाली है, और प्लीज अपने घरों के बाहर दीप जरूर जलाएं। इसके साथ ही दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां जब फिल्म रिलीज होगी तो कहा जा रहा है कि कल की 2898 एडी का जो टीजर है, यानी कि प्रभास की फिल्म है, उसका प्रिंट भी आपको बता दूं कि पीवीआर आईनॉक्स में स्क्रीन अटैच होकर आएगा, आई मीन उसका टीजर जो है अटैच होकर आएगा बड़े मियां छोटे मियां फिल्म के साथ। एंड फाइटर मूवी के साथ कहा जा रहा है कि शैतान फिल्म जो कि अजीत देवगन की फिल्म है, जो कि 8 मार्च 2024 को आने वाली है। एंड इनफैक्ट दोस्तों एक दिन पहले तो हम सोशल मीडिया पे देख ही लेंगे बड़े मियाँ छोटे मियाँ का टीजर, लेकिन कहा जा रहा है कि फाइटर फिल्म के साथ अटैच होकर आएगा अक्षय कुमार की फिल्म में बड़े मियाँ छोटे मियाँ का टीजर भी। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि यूएस सर्टिफिकेट तो मिल ही चुका है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो यार अभी इस फिल्म का बजट तो बहुत ज़्यादा है, क्या ये फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस में झंडे गाड़ पाएगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। ट्रेलर मैंने बता दिया कि मार्च एंड में आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं
इस बात का डर भी है कि ये फिल्म फ्लॉप ना हो जाए। अक्षय कुमार की तमाम फिल्में फ्लॉप हुई है। हालांकि दोस्तों इस फिल्म का, ये फिल्म अलग क्यों है, इस फिल्म का रिस्पांस पॉजिटिव आ रहा है लोगों के द्वारा। और सबसे मजे की बात क्या है ना, इस फिल्म के अंदर जो कास्ट है काफी बड़े बड़े हैं। इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन है, टाइगर श्रॉफ है, अक्षय कुमार है, सोनाक्षी सिन्हा है, अलाया एफ है, ठीक है, और भी दोस्तों मानुषी छिल्लड़ है, तमाम बड़े बड़े एक्टर है। फिल्म का बजट 250 करोड़ का है। अली अब्बास जफर है, उनकी फिल्में एक्चुअली दोस्तों हमेशा हिट जाती है, कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हुई अली अब्बास जफर की, मोस्टली फिल्में कमा लेती है। और क्योंकि इस फिल्म का मैंने आपको बता दूं कि भाई OTT राइट, म्यूजिक राइट, सैटेलाइट राइट, ऑलरेडी इन सब के राइट बिक चुके हैं, तो ये फिल्म अपना कॉस्ट पहले ही रिकवर कर चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि 5 अप्रैल को देवरा फिल्म भी रिलीज हो रही है। तो अगर 5 अप्रैल को देवरा रिलीज हो जाती है, मैदान अगर 10 तारीख को क्लैश होती है आपके इसके साथ है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ, तो भाई अप्रैल में 3 बड़ी फिल्में आने की उम्मीद लग रही है, मैदान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ एंड दोस्तों देवरा फिल्म। अगर दोस्तों अगर ये तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सोलो रिलीज हो गई तब तो ये फिल्म 1000 करोड़ पार है। लेकिन भाई आपको बता दूं कि अगर 3 बड़ी फिल्म क्लैश हो गई तो भाई शोज कम मिलेंगे, स्क्रीन्स कम मिलेंगे, जिससे फिल्मों का लॉस होगा। एंड मैं यही कहूंगा दोस्तों, या तो देवरा को या फिर मैदान फिल्म को, क्योंकि मैदान पिछले काफी टाइमों से दोस्तों पोस्टपोन होती जा रही है, पिछले 1-2 साल से। तो भैया क्यों पंगे ले रहे हो अजय देवगन जी, BMCM को सोलो रिलीज होने दो एंड देवरा फिल्म को तो बाकी देख ही लेंगे दोस्तों, हालांकि वो भी फिल्म काफी अच्छी है। एंड दोस्तों ट्रेलर मैंने आपको बता ही दिया कि मार्च एंड में ही आएगा, क्योंकि अप्रैल में तो फिल्म आई थी 10 दिन पहले, यानी कि 15 दिन पहले तो ट्रेलर आएगा। सॉन्ग्स मैंने बता दिया। तो दोस्तों कुल मिला के सिनेरियो ये है कि टीजर जो है बहुत फाड़ू आने वाला है एंड ऑफ कोर्स यार इसका बज सुपर बना हुआ है, मतलब इस फिल्म में किसी प्रकार की कमी नहीं दिख रही कि फिल्म फ्लॉप होगी। हाँ बजट ज्यादा है, 250 करोड़ का, इतना ह्यूज बजट है तो एक रिस्क है। हालांकि सलार भी दोस्तों कम से कम 400-350 करोड़ की फिल्म थी, लेकिन फिल्म ने ब्लॉकबस्टर हुई। देखो फिल्म के बजट से मैटर नहीं होता है, अगर फिल्म अच्छी हुई, फिल्म में सब कुछ अच्छा हुआ, नेचुरल हुआ, स्टंट हुआ, स्टोरी अच्छी हुई, VFX अच्छा हुआ एंड लोगों को कमर्शियली एंटरटेनमेंट मिली, तो भाई ऑफ कोर्स यार ऐसी फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाती है एंड लोगों को तो ऐसी फिल्में चाहिए यार, जैसे एनिमल करके गई है। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या 2024 में बड़े मियाँ छोटे मियाँ अक्षय कुमार फिर से एक सुपर कमबैक कर पाएंगे? क्या टाइगर श्रॉफ के साथ दोनों की जोड़ी वाकई में बॉलीवुड पे एक क्या बोलते हैं धमाल मचा पाएगी, बॉक्स ऑफिस को फाड़ेगी? लाइक कमेंट के बताओ, क्या लगता है ये फिल्म 500-1000 करोड़ की कैटेगरी में आ पाएगी? जय हिंद जय भारत दोस्तों, और इसी तरह प्यार देते रहो, और आज रात लाइव मिलूंगा, तो प्लीज बी देयर। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करो भाई भर भर के, आर यू एक्साइटेड टू वॉच बड़े मियाँ छोटे मियाँ इन थिएटर? कमेंट करके बताओ, ट्रेलर क्या लगता है, टीजर ट्रेलर फाड़ देगा?